टुडे 15 जून और आज ही अपना फर्स्ट एग्जाम था एंड टर्म का जो कि खत्म हो चुका है अभी अभी थोड़ी देर पहले और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ वैक्सीन लेने। तो आज है 17 जून और आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो पेपर उतना खास अच्छा नहीं रहा क्योंकि लास्ट क्लिप में जैसे कि आपने देखा ही है कि मैं वैक्सीन लेने गई थी, तो वैक्सीन लेने के बाद उतना मतलब बुखार वगैरह कुछ नहीं था लेकिन हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था और कल दोपहर को बुखार भी आया। तो दवाई लेने के बाद मतलब आई वॉज फाइन बट स्टिल सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, हाथ में भी पेन हो ही रहा था और आज भी हाथ में पेन है, सिर में भी थोड़ा सा यू नो दर्द है लेकिन बुखार नहीं है। और अभी आई एम फीलिंग अ बिट गुड, तो कल बुखार था तो जिसके वजह से आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। तो देखते हैं मतलब रिजल्ट क्या आता है। और कल है मेरा सोशियोलॉजी का पेपर, तो या नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी। सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज है 18 जून और अभी रात के 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और अभी अभी खाना वाना खा के एकदम फ्री होके बैठी हूँ। तो आज मेरा सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था जो कि अच्छा रहा क्योंकि वैसे भी उतना मतलब मेमोराइज करने वाला तो कुछ है नहीं, बना के लिखना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बस और क्या ही। और बस 3 एग्ज़ाम्स बाकी है और मेरा एग्ज़ाम 26 तक ख़त्म हो जाएगा और हमारे यहाँ पे लॉकडाउन भी 26 तक मतलब एक्सटेंड कर दिया है, तो देखते हैं इसके बाद एक्सटेंड होता है या नहीं। तो जैसे कि मैंने वैक्सीन लिया था उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा था क्योंकि बीच में ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था, कुछ चम्मच वगैरह अटक जाता है या कुछ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है फिलहाल। तो या लेट्स सी क्या होता है। अभी भी हाथ में थोड़ा सा दर्द है लेकिन मतलब उतना भी नहीं है जितना पहले दिन में था। अभी सिर में भी दर्द नहीं है, बुखार भी नहीं है, बस हाथ में थोड़ा सा दर्द है जो कि आई थिंक कल परसों तक ठीक हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम जो है वो है पॉलिटिकल साइंस जो कि 22 को है। मैं बहुत ज़्यादा खुश और रिलीव फील कर रही हूँ क्योंकि फाइनली आई गॉट द वॉच और वॉच मुझे इस वाले शेल्फ से मिला जो कि मम्मी ने कल मुझे बहुत बार बोला था कि इस शेल्फ पे चेक कर ले शायद से मिल जाए, लेकिन नहीं, मैं बस यही बोल रही थी कि नहीं मैंने तो यहाँ पे रखा ही नहीं, यहाँ पे कैसे आएगा। वो मेरे स्टूडेंट्स ने ढूंढे हैं, तो अगर तुम लोग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने ये ढूंढ के दिया मेरे को, अगर ये नहीं मिलता तो मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज है 21 जून और कल है 22, तो और कल है मेरा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग प्रिपेयरिंग पॉलिटिकल साइंस। मैं अभी हायरार्की पढ़ रही हूँ, सो या लेट्स सी हाउ इट गोस। तो फिर मिलते हैं आपसे कल एग्जाम के बाद। हे गाइस, एग्जाम हो चुका है खत्म और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी बस मैं फैन वैन चला के बस लेटी हूँ बेड पे, खाना भी खा लिया, नहा भी लिया, अभी बस आराम कर रही हूँ। बाद में शाम को मुझे बस इंग्लिश प्रिपेयर करना है, जो इन बॉस इंग्लिश भी कभी कभी अनसीन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो हाँ, शाम को मिलते हैं आपसे। सो टुमारो इज माई लास्ट एग्जाम, दैट इज इकोनॉमिक्स, माई लास्ट एग्जाम इन फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आई होप इट गोज वेल and at the same time I'm happy because of this last exam and all that. At the same time I'm tense too because economics is a bit tough for me, I think. So yeah, let's see how it goes. Finally my first year second sem exam is khatam. Shanti, bahut shanti, bahut jyada shanti. So as I've already said that economics is a bit tough for me, so yeah, exam was good, not that bad, but the question paper was a bit lengthy, but I think that's okay. So yeah, now I have to prepare for internship which is gonna start from 5th of July. So yeah, I'm sorry for the noises in the last clip, I'm really really sorry for that. Aur aaj hai 29th of June aur aaj main finally video ko end kar rahi hu aur 5th July se apna internship start hone wala hai. Dekhte hai kaisa jata hai, jaisa bhi hoga jo bhi hoga आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू द एक्सपीरियंस। और इस वीडियो में बताने वाली ऐसी कुछ भी चीज़ है नहीं, ये बस अपने एग्जाम का मतलब वीडियो था। आई डोंट नो कैसा बना होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वंडर स्काई। और
क्या ही बताऊँ आपको। तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे एट